हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम ले आए हैं आपके पास एक और पीआर पैकेज। ये हमें पीआर पैकेज आया है आगाज ब्यूटी बाय शाइस्ता। इनके सारे प्रोडक्ट्स होममेड हैं और केमिकल फ्री हैं। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल एंड नाइस पैकिंग। एवरीथिंग लुक्स सो क्यूट। है ना गाइस, कितना प्यारा प्यारा लगता है इस तरह की पैकिंग। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है प्रोडक्ट से ज़्यादा तो पैकिंग एक्चुअली अट्रैक्ट करती है। चलें जी, इसको हम करते हैं अनपैक। इसमें सारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हैंडमेड हैं। ठीक है जी, चलें हम इसको आराम से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास है आगाज काजल। ये इनके स्पेशली जो है मक्खन से बने हुए हैं, वो इसमें कोई केमिकल नहीं है। हाउ दिस इज सो क्यूट। ये तो कलर से ही इतना प्यारा लगता है, यूज़ करने में भी आई होप कितना ही अच्छा होगा। ये हमारे पास है फेस वॉश। उस ब्यूटी बाय शाइस्ता की एक ये खासियत है कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो वो आपको अपने स्किन के उस पर्टिकुलर इशू के हिसाब से सॉल्यूशन देंगे और आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। उसके बाद हमारे पास है आगाज आइस क्लींजर। आइस क्लींजर आई कैन प्रेडिक्ट कि ये हमें बहुत ही ठंडा एहसास देता होगा जब हम इनको यूज़ करेंगे। तो वो लोग जिनको पिंपल्स हैं या जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिनको पिंपल्स होते हैं उनकी स्किन पहले ही बहुत इरीटेटेड होती है तो हम उसको ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं कर सकते। तो साफ़ सफाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्लींजर। तो आप जो है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है राइट, या गर्मियों में तो खास करके ये बहुत अच्छा है। चलें इसको हम खोल के देखते हैं कि इसका क्लींजर का टेक्सचर कैसा है। जिस तरह का वाइट क्रीमी टेक्सचर है हमारे पास ये क्यूट सा सोप है। ये है जाफरानी सोप। इसके अंदर कोई सांपा नहीं है। ये हमारे पास है जाफरानी सोप राइट, और इसमें ओरिजिनल जाफरान है और ये फ्लावर शेप में है। हम यूज़ कर सकते हैं वाइटनिंग पर्पज़ के लिए और सूदिंग के लिए। हमारे पास है गाइस आगाज आइस स्क्रब फेस। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो है स्क्रब। एक रिफ्रेशिंग लुक आ जाता है, और अगर आपके पास बहुत कम टाइम हो तो स्क्रब से जो है हम एकदम से अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। चलिए जी, इसका टेक्स्चर देखते हैं। इसके अंदर बहुत ही माइल्ड सा स्क्रब है, क्रीमी है, स्मूथ है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है इसमें राइट। और इसमें जो दाने हैं वो बिल्कुल माइल्ड है, तो आप इसको आराम से और मज़े से फेस पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी जब आप परचेज करेंगे कंप्लीट डिटेल इंस्ट्रक्शंस आप जो हैं पूछ सकते हैं जिनसे बाय करेंगे, क्योंकि हमें तो पीआर आया है तो हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम आपको बता रहे हैं, पर फिर भी फेस की चीज़ें हैं तो इंसान थोड़ा सा ख्याल करे, पूछताछ के फिर जो है यूज़ करें। ये हमारे पास है आगाज का 5-in-1 वाइटनिंग फेशियल, और ये हमारे पास है 5-in-1 टोनर। आप क्या करेंगे इस वाइटनिंग फेशियल के साथ, चलें इसको हम खोल के देखते हैं। ये क्रीम फॉर्मूला है। दिस फेशियल इज 5-in-1। वैसे जो फेशियल की किट आती है उसमें 5 या 6 प्रोडक्ट्स होते हैं, पर इन लोगों ने जो है अपना बनाया हुआ है 5, 6, 7, 8 होम इंग्रेडिएंट्स के साथ। गाइज ये जो है आप क्या करेंगे, फेस पे अप्लाई करेंगे और कुछ देर मसाज करेंगे। जब ये ड्राई होने लगे तो आप उसके बाद इस टोनर के साथ फिर से आप इसको रिवाइव करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से फिर मसाज करेंगे और अपने फेस को वाइप आउट कर देंगे। ड्यूरिंग दीज टू प्रोडक्ट्स के प्रोसेस में आपको पानी इस्तेमाल नहीं करना। फेशियल और 5-in-1 टोनर के साथ मजे से टाइम सेव करके अपना आराम से फेशियल कर सकते हैं। हमारे पास है आगाज नाइट क्रीम। ये खास करके झाइयों के लिए बनाई गई है, जब आपको डार्क स्पॉट्स हो या पिगमेंटेशन हो। सिंधी में कहते हैं झाइयां। हाँ जी, झाइयां, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हो, डार्क सर्कल्स हो या टू टोन स्किन हो आपकी, तो ये उसके लिए बहुत 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 मफीद है। गाइज ये क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, विद नो फ्रेग्रेंस। केमिकल फ्री चीजों में फ्रेग्रेंस नहीं होता, ये याद रखिएगा। चलें गाइज, उसके बाद हमारे पास ये क्यूट सा लिप बॉम है, तो चलें जी इसको भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो हैवी लिपस्टिक्स लगाना पसंद नहीं करते। इसका हम कलर देखते हैं, बहुत ही सॉफ्ट कलर है और आप डेली यूज में इसको ला सकते हैं। गाइस ये हमारे पास है आगाज का हेयर मास्क। ये हेयर मास्क आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टेक्सचर देखेंगे कि कैसा है। इसका क्रीमी सा टेक्सचर है वाइट कलर में। हे गाइस, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 अच्छी है, और ये होममेड के साथ उसमें थोड़े सीरम भी एडेड है, क्योंकि ये है बालों का मामला। इसके बाद हमारे पास है हेयर केयर एम्प्योर। ये एम्प्योर आप वैसे भी इसे सीरम यूज कर सकते हैं, मगर अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप इसको किसी भी हेयर ऑयल के साथ मिक्स करें और इसको यूज करें। ये एम्प्योर हेल्प करता है आपके बालों को मजबूत बनाने में, और आपके स्कैल्प के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपकी जड़ें बहुत मजबूत बनाता है और बालों को गिरने से
या दो मुंह होने से बहुत 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 केयर देता है ताकि वो बचे रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।